सदर मुशायरा वाहिद अंसारी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कई घरों को निगलने के बाद आती है मदद भी, शहर के जलने के बाद आती है। गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। वाहिद भाई को सफर पर निकलना है, इसलिए इस मकाम पे मैं चाहता हूं कि सदर मुशायरा पढ़ लें और भूख मुशायरा चलता रहेगा। काविश रुदुली साहब को सुनना है, शकील भारती साहब मरहूम मालिक काविश साहब को सुनना है। भाई वाहिद अंसारी का इस्तकबाल कीजिए, हमारे नहीं पूरे हिंदुस्तान के पसंदीदा शायर, पूर्ण तालियों से इस्तकबाल कीजिए, इजाजत दीजिए गौतम वाहिद अंसारी साहब भाई। दरअसल एक ज़माना था कि शहर इंतज़ार करता था कि कब मुशायरा होगा, शायरों से पूछा करते थे कि मुशायरा कब होगा, इसलिए कि वहाँ अदब की तहज़ीब की बातें होती थी, लोग सीखने जाते थे। लेकिन अब इतने मुशायरे होने लगे हैं कि कुछ लोग तो अब गलियों में घूमते हैं। मैंने मेरे बचपने में देखा है कि हमारी गलियों में लोग आते थे, सील टका लो सील टका लो बोलते थे ना, कुछ लोग वो तोते लेके आते थे, फाल खुलवा लो फाल खुलवा लो। लेकिन अब कुछ लोग गलियों में घूमते हैं, मुशायरा करवा लो मुशायरा करवा क्या लो। क्या बात है, तो अब इसकी वजह से मुशायरों का हाल तो यही होगा ना। सही बात है, बहुत ज़रूरत है मुशायरों को समझने की और मुशायरा समझाने की। अभी भी हमारे लोग जो हैं या तो हंसी मजाक करते हैं या सीटियाँ बजाते हैं, कोई पैर फैला के बैठा है, कोई कैसे बैठा है। मुशायरा ऐसा कर दिया गया है, ऐसे ऐसे शोरा ने ऐसे ऐसी हरकतें की, ऐसे ऐसे शेर पड़े कि मुशायरा ऐसा हो गया है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत, अब हम लोग इसीलिए मुशायरा नहीं करवाते क्योंकि बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। बना करने के बाद भी लोग सीटी नहीं ना, ये ठीक है, ये थिएटर है, अच्छे से साउंड आएगा उनका, जब हीरो की एंट्री होगी तो जब सीटी मारे, ये मुशायरा है ना, इसमें सीटी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बैरकैप को दो चार शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इजाज़त, माजरत के साथ इन लोगों ने मेरी सदारत रखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सफ़र पर निकलना है। मैं पेश करता हूँ, समाज फरमाएँ। मतलब है कि रोज़ गिरती संभलती रहती है, रोज़ गिरती थोड़ा सा जुड़ के मूड बना ले, हमारे दो तीन मेहमान शायर हैं उनको सुनना है। रोज़ गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। वाह 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 वाह, रोज गिरती संभलती, क्या बात है क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। ये साइजिंग हमारी, ये कारखाना, ये जमीन, ये यहाँ से वहां तक, जहां तक नजर घुमाओगे सब हमारा है। लेकिन उसके बाद रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। वाह वाह, आप शेर सुनना बताना, ये जो बाहर के शोरा और शायरात आए हैं, हम बहुत तारीफ करते हैं बाहर जाके इन लोगों से कि हमारा शहर ऐसा, हमारे शहर में ऐसे शायर शेर कहे जाते हैं, हमारे शहर में ऐसा मुशायरा होता है, कभी आना तो देखना। कायनात में कोई शहर ऐसा नहीं है, पूरी कायनात में कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें जितने शायर मालेगांव में हैं, पूरी दुनिया के किसी शहर में इतने शायर नहीं हैं। यहाँ की जो तादाद है पूरी दुनिया में नहीं है। हम बताते हैं कि आना तो देखना, अब इनको बताना कि शेर कैसा सुनते हो तुम, अच्छे शेर पे बोला करो। जब अच्छा शेर गुजर जाता है आपके सर से निकल जाता है, आप खामोश रहते हो तो आपस में बात होने लगती है कि यार इतना बड़ा शेर पढ़ा गया और ये लोग खामोश हैं यार। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि शायर इनको शेर नहीं समझता। एक नुस्खा सुन लो मुशायरे का, शेर आपकी समझ में आए कि ना, खूब दाद दिया करो ताकि आपका रुआब आपका दबदबा इन पर बना रहे, कि पढ़े लिखे लोग शेर समझने वाले लोग बैठे हैं यार, है ना। तो शेर बहुत कल समझना, अभी आपका अमल है कि आप दादे समाज पर बैठे। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। जैसे भाई मुख्तार कहाँ गया भाई, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, तैयार बैठे हैं, जैसे
शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। वाह 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 वाह, जनाजा है। वाहिद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, सूफी रमदान चिश्ती तरह साहब की जानिब बदलती रहती है, इस्तेकबाल होता वो वाहिद अंसारी। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है। वाह वाह बहुत शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, दोस्तों तालियों से इस्तेकबाल करें। अच्छा बहुत शुक्रिया। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है, रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। और कुछ शेर तहत में सुन लीजिए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे आपका मूड बन जाए कुछ देर के लिए, है ना। पेश करता हूँ समाज फरमाए। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, बताना सुन के बताना। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। हाँ 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 वाह। आपकी इतला के लिए बता दूं कि मतलब बहुत अच्छा, ये आप लोग भी थोड़ा सा अगर जुड़ जाए। मदारी जब कहीं खेल लगाता है ना, किसी चौराहे पर किसी लुक्कड़ पर, जब उसका खेल मुकम्मल हो जाता है तो एक शख्स कासा या तारी थाली या रिकाबी लेके वो ऑडियंस में घूमता है, तो उसमें सिक्के डाले जाते हैं, तो उसमें जो पहला सिक्का डालता है वो मदारी का आदमी रहता है। सही बात है, बहुत शुक्रिया। इसलिए कि लोगों को बताना है कि इसमें सिक्के डालने हैं, तो ये मेरे कबीले के लोग बैठे हैं, अगर आप थोड़ा सा शरीक हो जाएं तो शायद इनका भी मूड बन जाए, है ना। समाज फरमाए, समाज फरमाए। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं, अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। वाह। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, अचानक आ गए कौवे कहाँ से, कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। वाह। अचानक आ गए कौवे कहाँ से। अब एक नया शेर पढ़ता हूँ, ये हमारे एक भाई जलगांव से आए थे, क्या इमरान फारिस। हाँ इमरान फारिस आए थे, मेरा भाई कुनाल है, ये मेरा भाई काविश, ये शायद पहली मर्तबा मालेगांव आया है काविश, ये बहुत बड़ा नाम है मुशायरों का, मुशायरों की ज़रूरत है ये काविश रुदौलवी। आप यूट्यूब पे आप कभी खोल के देखना, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा शायर है, मुल्क का मशहूर शायर है ना। कुछ मुशायरे तो ऐसे हैं कि इनकी तारीखों पे होते हैं। ये आया, मैं इसका भाई काविश का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे शहर के लोगों ने याद किया और आप अपने वक्त निकाल कर आए, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाएंगे। वाह। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। अब शेर सुन के बताना, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। इधर दो चार छः कुर्सी लगा दो, इधर दो चार छः कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। वाह 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 वाह, अरे वाह हाय हाय हाय, क्या कहने। अगर आपको पसंद आए तो ताली बजा सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जब्बार भाई, बहुत शुक्रिया। इधर दो चार छः कुर्सी लगा दो, इधर दो चार छः कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। बस दो तीन शेर गज़ल के और उसके बाद इजाज़त पेश करता हूँ। हाँ बस यही मसला है, एक दफे गा दो तो आदमी समझता है कि गाने वाला बहुत अच्छा है ये, और तहत में पढ़ो तो समझता है कि बात कर रहा है वो, तमहिद बांध रहा है। वाह। चलो ठीक है, दो तीन शेर में है। अच्छा ठीक है, दो तीन शेर पढ़ देता हूँ। एक बहुत पुरानी गज़ल है मेरी, ये मेरा बच्चा जो है ना बहुत शौकी करता है बैठा बैठा,
है ना, बैठा बैठा बहुत शौकी करते। आइए दो तीन शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाया। अब कौन से ज़माने की गज़ल याद दिला रहा है वो समाप्त, नए शेर तो याद नहीं आते हैं। समाप्त फरमाए, पेश करता हूँ समाप्त फरमाए। भाई रिजवान बेटा थोड़ा सा बेस कम कर दो। मेरी एक बहुत पुरानी गज़ल है, उसमें मैंने एक मतलब और एक शेर नया मैंने कहा है, वो उसी को शेयर करने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। समाप्त फरमाए, ये जितने नौजवान बैठे हैं ख़ास तौर से इनकी नज़र करता हूँ। कोई किस्सा है ना कहानी है, 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 ऐसी कैसी तेरी जवानी है। लैला मजनू सिरी फरहाद है ना, ये और जवान ही तारीख बनाते हैं, जवान ही बनाते हैं। कोई किस्सा है ना कहानी है, ऐसी कैसी तेरी जवानी। अबे सारे साहिब ईमान बैठे हैं, गजल में एक मातला नात पाक का हो गया है, अगर यहाँ लगे ना यहाँ तो बताना मुझे कि यहाँ लगा, उछल के बताना मुझे, ऐसा लगे कि रात के 9 बजे अब ये मुशायरा शुरू हो रहा है, ये मतले पे वो हंगामा होना चाहिए। समाज फरमाए, ऐसी कैसी तेरी कहानी है, उसकी जिसकी चादर फटी पूरा फ्रीडम 11 स्टार के रूह रवा और मशहूर सोशल शख्सियत मुख्तार इब्राहिम इनकलाबी साहब की जानिब से नजारा कुलूस, उस्मान बागिया साहब की जानिब से, अब्दुल सत्तार मामा साहब की जानिब से, बहुत शुक्रिया सुफी रमजान, सुफी रमजान चिश्ती साहब की जानिब से नजाना। भाई वाइज पढ़ते रहिए, मतलब ये वाइज भाई पढ़ते रहो आप, ये जिसकी परवाज, ये कव्वाली का मिजाज है। अब बताओ, एक पूरा जितना लाया था उतना दे दिया मुझे, तो एक एक करके देने का क्या मतलब, मतलब अच्छा था, अच्छा था, एक मर्तबा और पढ़ दें। उसकी परवाज आसमानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है, जिसकी चा अबे चाय को भी मेरे ही वक्त में आना था, है ना, जिसकी चाह अभी मेरी कौम का मिजाज, मेरी कौम का तेवर, मेरी तो कौम का मिजाज, शेर में पढ़ता हूँ इस्तकबाल करना। जिसकी चादर फटी पुरानी है, सामना हो गया समुद्र से, सामना हो गया से, आज देखेंगे कितना पानी, वाह 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 वाह, देखे बख्शू भैया की जानिब से नजराना। आज देखेंगे कितना पानी है,
आज दे। अब ये नया शेर, कितना ये नया शेर मैंने कहा, जितने मेरे शोरा दोस्त हैं इन लोगों ने नहीं सुना, पहली मरतबा ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ, समाज फरमाए। लेकिन बहुत बड़ा शेर और बहुत अच्छा शेर हो गया है, बस इसे इस्तकबाल कर लेना, पेश करता हूँ, समाज फरमाए। आज दे, हेलो हेलो हेलो, बस बैठिए। आज दे नहीं, ये जैसे ये लोग आते जाते रहते हैं, ये तो एक्टिविटी जलसों में मुशायरों में तो होती रहती है, लेकिन हमारी एक फितरत ये भी है कि जो आदमी आता है जाता है हम उसको देखने लगते हैं, मुशायरे को डाइस को छोड़ के, जैसे कोई आ रहा है जा रहा है ना, तो कुछ देर के लिए कत्ल हो जाता है, ऐसा लगता है कि निवाले में कंकर आ गया हो, भूख लगी हो, आदमी खा रहा हो और कंकर आ जाए तो कैसा लगेगा, अब ऐसे एक मूड होता है ना समाज में। आज देखेंगे कितना पानी है, जलते जलते मैं बुझ गया कैसे, क्या बात है, आए हैं, आए हैं, जलते जलते मैं बुझ गया कैसे, ये हवाओं की मेहरबानी है, ये हवाओं की मेहरबानी है, फिर से है, जलते जलते मैं बुझ गया कैसे, ये हवाओं की मेहरबानी है। आखिरी शेर उसके बाद इजाजत, ये हवाओं की मेहरबानी है, एक भी गुल नहीं तरो ताजा, एक भी गुल नहीं तरो ताजा, जाने कैसी ये बागबानी है, जाने कैसी ये बागबानी है, जाने कैसी ऐसी कैसी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, हाँ अब बहुत शुक्रिया, बहुत बच्चा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जाने कैसी ये बाग बानी है, एक भी गुल नहीं तरोताजा, कैसी ये बाग बानी है,